टू एवरीवन दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम अमाना डॉट कॉम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हमारे न्यू ईयर्स हैं आप सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी इस चैनल के ऊपर वी मेक डिफरेंट कॉन्टेंट ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर सकें सो दैट वी कैन हेल्प यू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट्स फॉर यर सेल्फ आज की वीडियो बेसिकली बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये कि आई हैव बिन सीइंग मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ रियल स्टेट के ऊपर स्पेशली uh, पाकिस्तान की रियल स्टेट के ऊपर एंड ओवरऑल मेरी कोशिश होती है टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे आई हैव बिन कमिंग अक्रॉस सम वीडियोज़ सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता बाय द वे ओवरऑल Uh, पूरी दुनिया में ऐसा होता है इस तरह कॉन्टेंट लोग देखते हैं कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि हाउ कैन यू गेट रिच क्विकली विच इज़ समथिंग आई कम्प्लीटली डिसग्री विद क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो वे टू बिकम रिच क्विकली इट ऑलवेज टेक्स ए टाइम टाइम लगता है चाहे दो साल तीन साल चार साल लगे टाइम जरूर लगता है एकदम से आप कभी भी, भी तरीके से रिच नहीं हो सकते एंड ऑल्सो अगैन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ बींग रिच सो एनी हाउ मैं यहाँ पर बिलियनियर और मिलेनियर लेवल की बात कर रही हूँ सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि देर आर सम रियल ऑथेंटिक वेज जिसके थ्रू आप लोग प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी समिंग जिससे बहुत जल्दी जल्दी आप लोग जो है मिलियनियर uh, बन जाएंगे या बिलियनियर बन जाएंगे इट्स इट टेक्स इट्स टाइम ठीक है वेज मैं आप लोगों को बता सकती हूँ प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बता सकती हूँ और मैं एक ऑथेंटिकली जो खुद चीज़ें मैं देख रही हूँ जो मैंने सीखी हैं जो मैं क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि ताकि आप लोगों को कोई को भी मिस गाइड ना कर सके आई बिलीव के बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे मुझे कांटेक्ट करते हैं एंड दे आर मोस्टली हार्ट ब्रोकन कि हम लोगों ने फला प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी तो हम लोगों को ख़रीदे हुए वो तीन महीने हो गए लेकिन अभी तक तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं आया हमें वो ख़रीदे हुए छः महीने हो गए और हमें उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा या आठ महीने हो गए हैं और इस पर बहुत ही थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है ये क्या बात हुई हमें तो लगा था बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा चार पाँच लाख छः लाख प्रॉफिट चला जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो आ, ये इतना ज़्यादा तो फ्रीक्वेंटली हुआ है कि आई डिसाइडेड कि आई हैव टू आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस विद यू प्रॉफिट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो इट इज़ ऑलवेज का रिस्क नो मैटर वाट चाहे इसके डिवेलपर्स क्रेडिबल हों या फिर क्रेडिबल ना हों सबसे पहले अगर यू वॉन्ट टू बी एन इन्वेस्टर एन यू ऑलरेडी आर आई एम श्योर यू विल एग्री विद दिस चाहे क्रेडिबल डिवेल्पर्स हैं चाहे क्रेडिबल नहीं हैं इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ रिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल और uh, हम उस रिस्क को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं जब हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है बट बिलीव मी देर आर ऑल्सो अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन द मार्केट दैट दे हैव एक्चुअली डिलीवर्ड देयर प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान बट नॉट इन सम अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ठीक है तो इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क एंड आई हैव टू बी ऑनस्ट अबाउट दिस थिंग्स एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी कि हाउ कैन यू अर्न प्रॉफिट्स ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरी नज़र में सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं बेहतर प्रॉफिट आप लोगों को उससे मिल सकता है बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ जाकर शेयर करूँगी uh, सबसे पहले जो एक बहुत ही बेसिक तरीका है जिसको लोग जिसकी तरफ जाते हैं वो ये है कि लोग प्लॉट्स ले, ले लेते हैं एंड दे कीप इट सेफ या लैंड का कोई बड़ा हिस्सा ले लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं एंड दे वेट कि कुछ अर्से तक या कुछ सालों में हम लोग जो है जब उसको देखेंगे उसके ऊपर प्रॉफिट आ चुका होगा जब हम उसको बेचना चाहेंगे एंड इट इज़ अ वेरी गुड वे एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स अलाट ऑफ टाइम्स इस तरह से भी होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जब मार्केट में आते हैं तो नो वन बिलीव इन दैम एंड देन ऑल ऑफ़ अ सडन जब आ, लोगों को पता चलता है कि उसके ऊपर प्रॉफिट गेन होना स्टार्ट हो गया प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया तब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जिसकी एक एग्जाम्पल आई बिलीव लाहौर स्मार्ट सिटी है बिकॉज आई रिमेंबर जब लाहौर स्मार्ट सिटी नया नया आया था उस टाइम पे नो वन वॉन्टेड टू तो इन्वेस्ट इन लाहौर स्मार्ट सिटी एंड नाउ दोज़ पीपल आई एम शोर द रिग्रेट बिकॉज उनको मौका नहीं मिल सका वक्त पे इन्वेस्टमेंट करने का तो यहाँ पर जो है आप लोगों के जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो आप लोगों को किस तरीके से गाइड करते हैं राइट right टाइम पर एंड हम लोगों की पूरी टीम की कोशिश होती है कि आप लोगों को राइट right इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से गाइड कर सके बट एनी हाउ लेट्स कम बैक टू टॉपिक अगेन तो uh, लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स और फिर जब उसके ऊपर प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ तो अभी आप लोगों के सामने है कि उधर uh, उस टाइम पर क्या प्रॉफिट चल रहा है कमर्शल्स पे रेजिडेंशल्स पे एंड डेली बेसिस पे वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स लॉट ऑफ क्लाइंट्स दे आर आप हमसे इतने करोड़ ले लें इतने पैसे ले लें हमें उसकी इन्वेंट्री चाहिए ये चाहिए बट इट्स नॉट हैपनिंग हैचुनेटली तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं एंड लाहौर स्मार्ट सिटी आई विल से इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑल्सो क्योंकि एक तो जब वो स्टार्टिंग में आया था जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी राइट नाउ दे आर वेरी हैप्पी विद इट अनदर वे यू कैन अर्न प्रॉफिट इज थ्रू आर ओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली उसका मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि वट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं है वट इज़ दैट रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है आर uh, ओ जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में um, बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको आर ऑफर करते हैं आर बेसिकली ऑफर किया जाता है शेयर स्पेसिस के ऊपर भी ऑफर किया जाता है और उसके अलावा ओवरऑल जो फुल एक यूनिट होता है उसके ऊपर भी ऑफर किया जाता है ना व्हाट इज शेयर स्पेसिस शेयर स्पेसिस कि आप अपनी मर्जी से आपको एक लिमिट दी जाती है एक रेंज दी जाती है कि इतने स्क्र फीट से लेके इतने स्क्यर फीट तक मतलब मिनिमम ये स्क्वेयर फीट की रेंज है इससे आगे तक कितने स्क्वेयर फीट पे आप लोग आप लोग कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम पैसों की रेंज भी बताई जाती है दस से पंद्रह लाख मिनिमम रेंज होती है उसके लिए और वन परसेंट पॉइंट पॉइंट फाइव से लेकर वन परसेंट तक का उसके ऊपर आर आपको मिलता है हर महीने सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड शेयर्ड स्पेसिस और उसके अलावा फुल यूनिट्स भी होते हैं कुछ लोग होते हैं कुछ हर प्रोजेक्ट लिए द वे नहीं देता आर कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को उन प्रोजेक्ट्स की देना चाहूँगी जिस तरह जैम बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम लोग भी मार्केट कर रहे हैं उसको दे गिव गुड आर ओ आई उसके अलावा मिया ग्रुप ऑफ चकवाल एम जी सी के प्रोजेक्ट्स हैं दे आर ऑल्सो गिविंग आर ओ आई बट ऑन शेयर स्पेसिस आर ओ आई का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब जब आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं Uh, जब आप फॉर एग्जांपल कोई शॉप बाई कर लेते हैं ठीक है और uh, उस शॉप की जो है प्राइस है दो करोड़ ठीक है यूजुअली जब कोई भी लमसम पेमेंट की जाती है तो उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है ठीक है टेन uh, परसेंट से फिफ्टीन परसेंट तक डिस्काउंट लाजमी दिया जाता है तो वन दिस हैपन्स इस सिचुएशन में डिस्काउंट अपफ्रंट नहीं दिया जाता और वही डिस्काउंट होता है जिसको आर ओ आई कंसिडर किया जाता है और वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में खुद से ट्रांसफ़र हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पर बीस लाख की इन्वेस्टमेंट की है और वो आपको वन परसेंट डिस्काउंट हर महीने ऑफ़र कर रहे हैं हर महीने आपके अकाउंट में आपको बीस हज़ार रुपये मिल जाएंगे और ये कैपिटल अप्रिसिएशन भी इस अमाउंट के ऊपर आता है अगर आ, थोड़े से पैसे आपके आ, जो आप लोगों ने ट्वेंटी लाख फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की हुई है एक साल बाद उसके ऊपर कैपिटल इंक्रीज़ आएगा यानी कि उसका जो ओवरऑल जो पर फीट रेट होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा हो सकता है वन थाउजेंड बढ़ जाए या हो सकता है टू थाउजेंड बढ़ जाए हो सकता है फाइव हंड्रेड रुपीज़ बढ़ जाए बट उसकी वजह से ऑफकोर्स कैपिटल वैल्यू उसकी इंक्रीज़ हो जाती है और शेयर स्पेसिस में इन्वेस्टमेंट का बायक पॉलिसी भी होती है जब आप चाहेंगे ठीक है अब आ, मैं अपने पैसे वापस लेना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो फिर आपको बाय बैक पॉलिसी भी मिलती है कंपनी खुद ही अपने ख़रीद लेती है जो उन्होंने आपको बेचा होता है लेकिन आपको जो पैसे मिलते हैं उस टाइम पर एंड आई डोंट थिंक सो हर कोई ये चीज़ शेयर करता होगा जो उस टाइम पर आपको पैसे मिल रहे होते हैं बाय बैक पॉलिसी के दौरान वो आपको कैपिटल इंक्रीज़ के साथ मिल रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीस लाख इन्वेस्टमेंट किए थे और बीच में Uh, एक साल बाद उसके कैपिटल उसकी स्क्वेयर फीट के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हो सकता है कि आपको ट्वेंटी टू लैख वापस मिले बिकॉज यू uh, आपकी जो अमाउंट थी उसमें कैपिटल इंक्रीज आया विच इज़ इट इज़ अ वेरी आई बिलीव वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ गेनिंग प्रॉफिट बट इट हैपन्स सो एक तो ये तरीका है दूसरा मैंने आप लोगों को प्लॉट्स के हवाले से बता दिया तीसरा है ट्रेडिंग नाउ वट इज़ ट्रेडिंग बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो द सेम reselling वाली जो पूरी सिचुएशन है मैंने एक प्लॉट बाई किया था आई had हैड एट फॉर अयर और टू अब उसके ऊपर उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है अब मैं किसी को आगे बेचना चाहती हूँ और उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो बेसिकली मुझे हो सकता है उसमें पाँच से दस लाख का प्रॉफिट मिल जाए ठीक है डिपेंड्स ऑन द साइज डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट की मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ दिस इज वॉट ट्रेडिंग इज इन वे ऑफ मेकिंग गुड प्रॉफिट इज मर्जिंग uh, जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट हो इसमें आपको और तरह से भी फायदा हो सकता है मर्जिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्सो मर्जिंग इज फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फोन जो कि लेट्स से वन लाख उसकी मालियत है एंड द अदर पर्सन हैज़ अ फ़ोन जिसके जिसकी प्राइस है दो लाख एंड हम आपस में उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं ठीक है इसको एक्सचेंज भी कहते हैं मर्जिंग भी कहते हैं हम इसको आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं सो वट आई विल डू इज कि मैं उनसे बोलूँगी क्या मुझे अपना वो फ़ोन दे दें और मैं उनको अपना फ़ोन दे दूँगी एक लाख का ठीक है साथ में मुझे उनको एक्स्ट्रा एक लाख पे करना पड़ेगा इट इज़ समथिंग कि वो एक विन 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 सिचुएशन हो जाएगी मुझे वो फ़ोन चाहिए था उनको उनके

जिसकी मालियत शायद कम है लेकिन उनको साथ साथ में पैसे भी मिल गए सो मर्जिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन माई आइज सम समब नाउ द वेडियो मैं जो एक सबसे ओल्ड स्कूल तरीका है जो मुझे लगता है कि लोग बहुत रिलैक्स uh, फील करते हैं उसको फॉलो करते हुए अपार्ट फ्राम ट्रेडिंग एंड आर ओ आई एंड मर्जिंग वो ये है कि सिंपली यू गैर प्लॉट यू गैर प्रॉपर्टी एंड देन यू जस्ट लीव इट अब इसमें यह होता है कि लोगों अब इसमें ही लोगों की expectations है जो मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी गलत है कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इफ़ यू यूज़ आर कॉमन सेंस ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक टाइम कि उसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा राइट तो तीन महीने में आप मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नहीं कर सकते दिस इज समथिंग दैट आई रियली फील दैट पीपल नीड टू लर्न यू हैव टू लर्न हाउ टू बी पेशेंट यू हैव टू लर्न टू बेसिकली वेट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंस इज द की इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली गेट बेनिफिट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आप बाकी में चाहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आप लोगों को प्रॉफिट हो सो यू हैव टू लर्न के वेट किस तरह से करना है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग के तीन महीने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच टू भी ऑनिस्ट यू एंड इसका कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके प्रॉफिट आने में अच्छा प्रॉफिट आने में टाइम ज़रूर लगता है और उसकी एग्जाम्पल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी को भी टाइम लगा था वो एकदम से नहीं ऊपर चला गया था कैपिटल स्मार्ट सिटी को काफ़ी टाइम लगा है अभी जैसे ही कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज अप्रूव हुआ है उसके बाद से उसके रेट्स ऊपर जाना स्टार्ट हुए हैं नोआ सिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है लास्ट ईयर वो रिलीज़ हुआ था लास्ट ईयर उसका प्रोजेक्ट की इनोग्रेशन हुई थी एंड अभी जाकर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है वाई बिकॉज दे गॉट दी एन फ्रॉम फाटा कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है एंड आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं यू हैव टू वेट अ लिटल बेट उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है ताज रेजिडेंशिया साज रेजिडेंशिया की प्राइजेस थोड़ी सी ऊपर गई प्रॉफिट में अब थोड़ी सी अब वो फिर से लेवल पर आ गई और उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि दे एक्चुअली आर फॉलोइंग द रूल वो एक जनमनली रेजिडेंशियल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं और उनको पता है कि डाउन द लाइन उनको बेनिफिट होगा ही होगा सो इवन इफ राइट नाउ पीपल आर नॉट गेनिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट इट्स फाइन बिकॉज उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है कंप्लीट करना है दे आर क्रेडिबल डिवेलपर्स एंड दिल डू इट सो हर प्रोजेक्ट का गोल डिफरेंट है हर प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी डिफरेंट है अपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी रियल स्टेट प्रोजेक्ट कि आपका एंड रिजल्ट आपका एंड गोल क्या है क्या आप चाहते हैं कि आपको रेजिडेंशली रेजिडेंशली या कमर्शियल अपना कोई घर चाहिए या आप ये चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके डू योर रिसर्च एंड आज द पर्सन हु यू आर बॉइंग योर प्रॉपर्टी फ्राम कि वो आपको प्रॉपरली गाइड करें कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए अच्छी ऑप्शन है या फिर ये लॉन्ग टर्म के हवाले से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन आई बिलीव एवरी वन शुड आस्क देयर एजेंट्स आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज uh, मिला होगा काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझा सकूँ और इसीलिए मैं काफ़ी तेज़ भी बोल रही हूँ फर मोर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं जिनके नाम मैं आप लोगों के सामने लूँगी आई बिलीव देर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड आई बिलीव दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दैट यू कैन एक्चुअली उसमें से कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी तो ऑफ़ कोर्स दे आर नोवा सिटी ताज रेजिडेंशियल 18 18 इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट अगेन इट्स वन ऑफ द अमेजिंग uh, प्रोजेक्ट्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं यू शूड डेफिनेटली गो फॉर बिकॉज हर हाफ ईयर के बाद उसकी जो है प्राइजेज इंक्रीज़ होती हैं और अभी वो अपनी कम्पलीशन के बहुत करीब है उसके बाद जो है uh, ताज़ा रेजिडेंशिया हो गया इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फर्दर मोर कमर्शल प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ अगर आप रावल पिंडी इस्लाम आबाद के एरिया में रहते हैं तो आई बिलीव के uh, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जेम बिल्डर्स के जो कि हमारे चैनल पर मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं दे आर ऑल्सो गिविंग वेरी गुड आर ओ आई बाई द वे और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स कम्पलीटेड भी हैं बहरिया टाउन में दे आर वेरी वेल नोन डेवेल्पर्स एम है उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे कि मॉल ऑफ गुजरखान हो गया थोड़ा सा हटकर है लेकिन वो गुजर खान के लोगों को अट्रैक्ट करता है यानी कि हम लोगों ने डाइवर्सिफाइड किस्म के प्रोजेक्ट्स अपने पास रखे हुए हैं बिकॉज यू नेवर नो दैट आपका क्लाइंट कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा सो दीज आर सम ऑफ द सम्शन दर आई शेयर विद यू ये uh, मेरी नज़र में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं uh, चाहे रेजिडेंशियल पर्पसिज़ के लिए हों या कमर्शल पर्पसेज के लिए हों एंड इन फ्यूचर इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा सो आई बिलीव कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिवे थम्स अप सब्सक्राइब कीजिए अमानत डॉट कॉम के चैनल को आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और uh, इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू कामेंट एंड लेट मी नो वर यू थिंक अबाउट इट अपना बहुत सा ख्याल रखिए हाफ़ अमानत डॉट कॉम पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल मशवरा अमानत है